हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एग्री पावर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं हूं शरद और जैसा कि हमने अब तक पिछले तीन मॉक टेस्ट हमने कर लिए थे एंटो के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट uh, थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की जो हमारी क्लास है वो डब्ल्यू की जो वैकेंसी है जो फ्यूचर में लगभग डेढ़ सौ वैकेंसी लगभग आने वाली जिनकी संभावना बनी हुई है उनके लिए जो हम uh, जो क्लास है आज की हमारी ये हम देखने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि टॉप ट्वेंटी जो क्वेश्चन है एंटो से रिलेटेड वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं तो देखिए शुरू करते हैं इसी के साथ में आज की हमारी जो क्लास होगी वो भाई किसके लिए होगी डबल की हो जो वैकेंसी है जो कि फ्यूचर के अंदर लगभग आने वाली है जिसका कोर्स क्या है इकतीस सौ रुपये इसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी जो भी आपके कोर्स कंटेंट है वो आपको पूरा इसके अंदर दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है जिसको हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है देखो फ्लडिंग ऑफ द फील्ड फील्ड विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ देखो फ्लडिंग का मतलब क्या होता है फ्लडिंग का मतलब होता है कि फील्ड को किससे पानी से भर देना ठीक है फील्ड को अगर पानी से भर देंगे तो किसके कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होगा तो जाहिर सी बात है भाई ऐसे इंसेक्ट जो हैं जो कैसे हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं ठीक है ज़मीन में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए जो हम क्या कर सकते हैं फ्लडिंग कर सकते हैं ठीक है फ्लडिंग का मतलब होता है जो फील्ड है उसको क्या कर देना पानी से बिल्कुल भर देना ठीक है अब देखो क्या वाइट ग्रब के लिए फ्लडिंग की जा सकती है क्या देखो व्हाइट ग्रब के लिए क्या फ्लडिंग की जा सकती है बिल्कुल की जा सकती है व्हाइट ग्रब जो होती है इसको क्या कहा जाता है सफेद लट ठीक है वाइट ग्रब को क्या कहते हैं भाई सफेद लट भी इसको कहा जाता है ठीक है और यह भी आ, क्या है जमीन में रहने वाला है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं फील्ड के अंदर पानी भरेंगे तो जाहिर सी बात है इस वाइट लट को भी या जो वाइट ग्रब है या सफ़ेद लट जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या हम टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या देखिए टर्माइट जो है इनको दीमक कहा जाता है ठीक है और इसको ही क्या कहा जाता है वाइट एंट भी कहा जाता है ठीक है टर्माइट को ही क्या कहते हैं भाई वाइट एंट भी कहते हैं क्या टर्माइट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या फ्लडिंग की हेल्प से जी बिल्कुल किया जा सकता है टर्माइट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है और वाइट ग्रब को भी कंट्रोल किया जा सकता है ठीक इसी तरीके से हम बात करें किसी कटवर्म्स की देखो कटवम जो है ये भी क्या करता है भाई दिन के टाइम पे तो क्या रहता है ज़मीन के अंदर रहता है और रात के टाइम पे निकल करके क्या करता है प्लांट जो है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है तो इसको भी क्या किया जा सकता है फ्लडिंग करके फ्लडिंग की हेल्प से क्या किया जा सकता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो इसका जो ओवरऑल राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट्स वो जाएगा क्या डी इसका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज तो देखिए किस किस को व्हाइट ग्रब को टर्माइट को और कटवर्म को इन तीनों को ही क्या किया जा सकता है फ्लडिंग की हेल्प से इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम फील्ड के अंदर क्या कर देते हैं फ्लडिंग कर देते हैं या एक बार थोड़े टाइम के लिए क्या भर देंगे पानी भर देंगे तो उससे क्या होगा ये सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं ये सबके सारे इंसेक्ट जो हैं इनको क्या कर सकते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है मैनेज किया जा सकता तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्लडिंग जो स्टेज है वो किन किन को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जा सकती है तो वही वाइट ग्रुप को टर्माइट को और कटवर्म को इससे कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बात करते थे अब तक क्या बी कॉटन की हम अब तक बात क्या करते थे बीटी कॉटन बीटी कॉटन जो है वो जो डेवलप किया गया था जनरली बोलवम्स के अगेंस्ट डेवलप किया गया था लेकिन देखिए यहाँ पे है कि बीटी कैबेज देखिए बीटी कैबेज जो है इस डेवलप अगेंस्ट देखो बीटी कैबेज को किसके अगेंस्ट डेवलप किया गया था तो भाई देखिए जो कैबेज के अंदर मोस्ट मेजर पेस्ट है कैबेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पेस्ट है वो क्या है भाई डायमंड बैक माउथ है ठीक है डायमंड बैक माउथ है जिसका क्या नाम है प्लूटेला जाइलोस्टेला ठीक है जिसका क्या नाम है प्लूटेला जाइलोस्टेला ठीक है प्लूटेला जाइलोस्टेला क्या है इसका साइंटिफिक नेम है और इसका राइट right आंसर क्या होगा भाई डायमंड बैक माउथ होगा क्योंकि जो बीटी कैबेज है बीटी कैबेज को डेवलप इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाई जो ये डायमंड बैक माउथ होता है ये क्या है इसका मेजर इंसेक्ट पेस्ट है भाई डायमंड बैक माउथ जो होता है वो क्या होता है इसका मेजर इंसेक्ट पेस्ट है और मेजर इंसेक्ट पेस्ट होने की वजह से कैबेज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डैमेज जो देखा जाता है वो किसका देखा जाता है डायमंड बैक माउथ का देखा जाता है इसके कंट्रोल के लिए इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया था भाई बीटी कैबेज को डेवलप किया गया था तो ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखिएगा ठीक है इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही ये भी एग्जाम uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्या होता है कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है देखो बहुत आप देखिएगा इसको बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स देखो बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स विद पॉलीथिन कवर इज डन टू अवॉइड द डैमेज फ्रॉम देखिए होता क्या है जो भी डेवलप हो रही हुई अनार जो होती है ठीक है जो अनार का जो फ्रूट होता है उसको क्या कर देना या तो किसी पॉलीथीन से कवर कर देना या फिर किसी पार्चमेंट पेपर से कवर कर देना वो किसके उससे कवर करने के बाद में उसको किसके अटैक से बचाया जा सकता है तो देखिए हम सबसे पहले देखें कि बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स का मतलब तो आप समझ ही गए कि फ्रूट्स के चारों तरफ क्या लपेट देना उनके चारों तरफ किसी ना किसी तरह का कवर लपेट देना या तो कवर किसका हो सकता है कागज़ का हो सकता है या वो पॉलीथीन का हो सकता है ठीक है बट क्या कर देना फ्रूट्स को कवर कर देना वो किसके डैमेज से बचा सकता है फ्रूट फ्लाई के डैमेज से बचा सकता है क्या भाई सॉरी अनार बटरफ्लाई के डैमेज से बचा सकता है कि इसको जी बिल्कुल बचा सकता है अनार बटरफ्लाई अनार बटरफ्लाई का क्या नाम है भाई अनार बटरफ्लाई को बोलते हैं वायरोकोला आइसोक्रेटस ठीक है ये क्या है वायरोकोला आइसोक्रेटस इसका साइंटिफिक नेम होता है देन फ्रूट बोरर देखो फ्रूट बोरर जो है फ्रूट बोरर से इसको बचाया जा सकता है क्या अगर हम फ्रूट को कवर कर देंगे तो फ्रूट बोरर से बचाया जा सकता है क्या जी बिल्कुल बचाया जा सकता है और फ्रूट बोरर जो होता है वो हेलीकोअरपा आर्मी हो सकता है ठीक है हेलीकोअरपा आर्मी हो सकता है ये जो कि क्या करता है कई सारी क्रॉप्स के अंदर क्या करता है डैमेज करता है ठीक है क्या फ्रूट सकिंग मोथ फ्रूट सकिंग मौथ का भी डैमेज uh, आता है इन पर तो देखो फ्रूट सकिंग मौथ से भी क्या किया जा सकता है उसको बचाया जा सकता है हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता है जो इसका बैगिंग अगर हम करेंगे तो अनार बटरफ्लाई से अनार बटरफ्लाई के, के अटैक से भी इसको बचा सकते हैं फ्रूट बोरर के अटैक से भी बचा सकते हैं और फ्रूट सकिंग मौथ जिसका क्या है <coughs> यूडेसेमा मोडेसेला इसका जो तीन स्पीशीज होती है देखिए स्टूडेंट्स यूडेसेमा <coughs> मैटरना ठीक है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी यूडेसेमा मैटरना है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बिल्कुल डी ठीक है इन इन सभी से क्या कर सकता है अगर हम फ्रूट की बैगिंग कर देंगे तो इन सभी इंसेक्ट से क्या किया जा सकता है इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो देखिए भाई फ्लेयर्ड स्क्वायर देखो बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्लेयर्ड स्क्वायर इज डैमेज सिम्टम ऑफ देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फ्लेयर्ड स्क्वायर है ये कौन सी क्रॉप में आता है ये आता है कॉटन के अंदर ठीक है वो कौन सा आता है कॉटन की क्रॉप के अंदर क्या होता है ड्रॉपिंग ऑफ इसको क्या कहते हैं देखो पहले वो समझ लीजिए ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स वो क्या कहलाता है फ्लेयर्ड स्क्वायर कहलाता है और फ्लेयर्ड स्क्वायर किसमें होता है ये कॉटन के अंदर होता है तो वो किसकी वजह से होता ये है ये जो तो सिम्टम हमको कॉटन के अंदर दिखाई देते हैं ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं तो देखिए ये सिम्टम हमको दिखाई देंगे ये दिखाई देते हैं स्पोटेड बोलवम की वजह से ये सिम्टम किसकी वजह से दिखाई देते हैं भाई स्पोटेड बोलवम की वजह से ये सिम्टम हमको दिखाई देंगे किसकी वजह से स्पोटेड बोलवम की वजह से और इसमें से स्पोटेड बोलवम कौन सा है देखिए स्पोटेड बोलवम जो होता है वो होता है आपके पास में ईयरिस वाइटीला ठीक है स्पोटेड बोलवम कौन सा होता है ईयरिस वाइटिला होता है इसको क्या कहते हैं भाई इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है स्पोटेड बोलवम है ठीक है है ना और हेलीकॉर आर्मीजेरा जो है क्या होता है ये अमेरिकन बोलबम ये क्या होता है अमेरिकन बोलवम है ठीक है और इसके अलावा देखिए पैक्टिनोफोरा गोसेपियला जो है ये क्या है पिंक बोलवम ठीक है ये क्या है पिंक बोलवम अब देखो ये तीनों बोलवम जो है जब किसी आ, स, जब इन तीनों का अटैक होता है तो ये क्या कहलाता है भाई पूरा का पूरा बोलवम कॉम्प्लेक्स ये क्या कहलाता है पूरा का पूरा बोलवम कॉम्प्लेक्स कहलाता है ठीक है आई बात समझ में तो देखो फ्लैड स्क्वायर जो है कॉटन के अंदर फ्लैड स्क्वायर का मतलब क्या होता है और फ्लैड स्क्वायर कंडीशन कौन सी क्रॉप में आती वो आती है कॉटन के अंदर जिसका क्या मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स ठीक है जो फ्लावर बर्ड्स है उनका गिर जाना या जो बॉल्स है उनका गिर जाना वो किसकी वजह से होता है स्पोटेड बॉलवम की वजह से होता है और ये जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं उनका क्या दिया हुआ है साइंटिफिक नेम दिया हुआ है जो क्या है एयरिस वाइटिला एयरिस वाइटिला का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई एयरिस वाइटिला का साइंटिफिक नेम होता है स्पोटेड बॉलवम ठीक है तो स्पोटेड बॉलवम की वजह से ही क्या आती है फ्लैड स्क्वायर कंडीशन आती है

कॉटन डेवलपमेंट किसके लिए किया गया था तो वो किसके लिए किया गया था भाई बोलवम कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए या कॉटन को बोलवम कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए ही बेटी कॉटन का क्या किया गया था डेवलपमेंट किया गया था चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच कॉजल ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेनिंग ऑफ द कॉटन फाइबर देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्यों है देखिए क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉटन के ऊपर फीड करते हैं कॉटन की लिंट के ऊपर फीड करते हैं कॉटन की बोल्स को अंदर से खा जाते हैं या उनके ऊपर क्या करते हैं वो जो भी उसका सेप है उसको सक करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है भाई कॉटन की जो क्वालिटी है कॉटन के जो फाइबर की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है ठीक है कॉटन के फ़ाइबर की क्वालिटी क्या हो जाएगी बिगड़ जाएगी तो वो देखो कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिज्म कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से कॉटन की फाइबर की जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म है देखो एजिटोबैक्टर है क्या एजिटोबैक्टर इसका कॉजल uh, ऑर्गेनिज्म हो सकता है क्या जी बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है तो इसका आंसर ए तो नहीं होगा इसका ऑर्गेन देखो और दूसरा कौन सा है क्लोस्ट्रेडियम बोटोलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसका आंसर हो सकता है क्या जी नहीं हो सकता है ये इसका आंसर नहीं होगा निमेटोपसेरा गोसेपी इसका आंसर हो सकता है क्या देखो भाई निमेटोपसेरा गोसेपी जो है ये क्या है इसका राइट आंसर होगा ठीक है जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा निमेटोपसेरा गोसेपी ये निमेटोपसेरा गोसेपी अब क्या होता है भाई ये कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये देखो एक तरीके का क्या है बैक्टीरियम है ये क्या है भाई एक तरीके का बैक्टीरियम है इसका वेक्टर कौन होता है इसका वेक्टर होता है आपके पास में रेड कॉटन बग इसका वेक्टर कौन होता है रेड कॉटन बग ठीक है अब ये बैक्टीरियम जो है वो कौन सा है निमेटोपसेरा गोसेपी ये रेड कॉटन बग क्या होता है इसका वेक्टर होता है और ये वेक्टर होता है किसका ये बैक्टीरियम जो है निमेटोपसेरा गोसेपी इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉटन का लिंट या फाइबर जो होता है उसका रंग कैसा होता है रेड टू येलो उसका रंग कैसा हो जाएगा रेड टू येल्लो हो जाएगा उसकी वजह से इसकी क्वालिटी कैसे हो जाती है कम हो जाती है क्वालिटी खराब हो जाती है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरीके के जो प्रश्न है लगभग आपको किसने पूछा जाता है आई बी पी एस एफ ओ का जो पेपर होता है ठीक है आई बी पी एस एफ ओ के अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि पिछली बार पूछा गया था कि लीफ कर्ल डिजीज़ जो होती है वो कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म से होती है या उसका वैक्टर कौन होता है ठीक उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो कॉटन की जो फाइबर होता है कॉटन फाइबर जो होता है उसकी क्वालिटी खराब किस वजह से होती है तो कॉटन के फाइबर की जो क्वालिटी है वो किसकी वजह से ख़राब होती है भाई उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है निमेटॉपसेरा गोसिपी जो क्या है एक तरीके का बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम का वैक्टर कौन होता है रेड कॉटन भग होता है यानी डाई सिड्रिकस सिंगुलेटस क्या होगा इसका वेक्टर होगा ठीक है आइए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड देखिए भाई ये एक काफी अच्छा प्रश्न है क्योंकि आपको क्या होता है कई बार एग्जाम के अंदर या तो उसका कॉमन नेम दे दिया जाता है या उसका साइंटिफिक नेम दे करके क्या पूछा जाता है उस प्रश्न को पूछ लिया जाता है सपोज इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड तो अब आप इस प्रश्न को जब ही अटेंड कर पाएंगे जब आपको क्या होगा उसका साइंटिफिक नेम का पता होगा ठीक है तो देखिए बनाना एफिड जो है बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है हम बात करें कि इसके थ्रिप्स फ्लोरम थ्रिप्स फ्लोरम नहीं होगा थ्रिप्स फ्लोरम नहीं होगा ये क्या होता है बनाना ये क्या होता है ये थ्रिप्स होता है थ्रिप्स फ्लोरम किसका कॉमन किसका साइंटिफिक नेम है थ्रिप्स का है फिर आता है बी ऑप्शन पेंटालोनिया निग्रोनरवोसा पेंटालोनिया निग्रोनरवोसा जो है भाई ये क्या है बनाना एफिड है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा पेंटालोनिया निग्रोनरवोसा यानी कि बी ये क्या होता है बनाना एफिड होता है ये क्या है बनाना एफिड है ठीक है और यही क्या है आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है पेंटालोनिया निग्रोनरवोसा है अब हम बात करते हैं कॉस्मापोलिटिस सोरेडिस कैस्मोपोलिटिस सोरेडिस क्या, क्या होती है भाई ये बनाना विविल होती है बनाना स्यूडो स्टेम विविल ये क्या होती है बनाना सुडोस्टेम विविल होती है कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस ठीक है देन उसके बाद में है वायरोकोला आइसोक्रेटस वायरोकोला आइसोक्रेटस को क्या कहते हैं भाई अनार बटरफ्लाई भी कहा जाता है इसको ये क्या होती है इसको क्या कहा जाता है अनार बटरफ्लाई भी कहा जाता है तो आपका जो प्रश्न है प्रश्न है क्या था साइंटिफिक नेम ऑफ द बनाना एफिड साइंटिफिक नेम ऑफ द बनाना एफिड के अंदर क्या था हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न दूसरा वाला ऑप्शन है यानी कि बी बी क्या है पैंटालोनिया निग्रोनरवोसा भाई पेंटालोनिया लोनिया निगरोनरवोसा क्या कहलाता है यही होता है हमारा क्या बनाना एफिड होता है ठीक है ये क्या होता है बनाना एफिड होता है और यही हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है ठीक है देन इसके बाद में हम देखेंगे कि द पेस्ट विच अटैक बोथ फील्ड एंड स्टोरेज देखो भाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर एक तो फील्ड के अंदर भी जिसका अटैक आता है और जिसका अटैक कहाँ आता है स्टोरेज में भी आता है दो हमारे पास में अलग अलग कंडीशन हैं कब कब अटैक आ रहा है उसका फील्ड में भी अटैक आ रहा है और स्टोर में भी अटैक आ रहा है किसके केस में हम बात करें पल्सेस के केस में ठीक है पल्सेस के में हम बात करें तो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है यानी कि दालों के अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका अटैक कहाँ आता है फील्ड में भी आता है और स्टोरेज में भी आता है तो देखिए ऐसा इंसेक्ट कौन सा हो सकता है भाई ऐसा इंसेक्ट जो है इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास में पल्स बीटल ठीक है पल्स बीटल जो है वो कैसा इंसेक्ट है बोथ स्टोर इसका जो अटैक होता है फील्ड एंड स्टोर ठीक है फील्ड और स्टोरेज दोनों जगह पे आता है ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में पल्स बीटल आ जाएगा जबकि ग्राम पोर्ट बोरर का जो अटैक होता है वो कहाँ होता है ओनली फील्ड में होता है जो इसका अटैक जो होगा वो स्टोर में नहीं होगा कहाँ होगा ओनली फील्ड में होगा रेड ग्राम पोर्ट पोर्ड, पोर्ड फ्लाई का भी कहां होगा ओनली फील्ड में ही होगा ठीक है ये इसका अटैक कहाँ था ओनली फील्ड में होता है जबकि और ये पोर्ट बोरर जो है इसका भी अटैक कहाँ होगा सिर्फ फील्ड के अंदर ही होगा ठीक है इन तीनों का अटैक नहीं होता जबकि पल्स बीटल का अटैक फील्ड में भी होता है और स्टोरेज में भी होता है तो इसका राइट right आंसर क्या आ जाएगा पल्स बीटल जो है उसका अटैक कहाँ आता है फील्ड और स्टोरेज दोनों जगह पर आता है ठीक है स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम वो देखेंगे देखो इन पेडी द इलोंगेशन ऑफ लीव शीत वेन इन्फेस्टेड बाई गाल फ्लाई देखो भाई ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो सबसे पहले क्या होने चाहिए आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कवर होने चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जिसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है जो पेड़ी जो है ठीक है पेड़ी का जो लीप शीत होती है लीप शीत मोटी हो जाती है इन्फेस्टेड बाई गॉल फ्लाई इसने यह बोला है कि अगर गॉल फ्लाई यानी कि ओर से लिया ओराइजा और सीलिए ओराइज़ा का अगर अटैक आता है जिसकी वजह से क्या होता है जो लीव शीट होती है वो फूल करके मोटी हो जाएगी ठीक है इसकी वजह से क्या होता है तो देखो उसमें कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है किस केमिकल की वजह से वो जो लीप शीत है वो कैसे हो जाती है इलोंगेशन लीप शीत का मोटी हो जाती है गाल लाइक फॉर्मेशन हो जाता है वो कौन से केमिकल की वजह से होता है तो देखिए क्वेश्चन समझिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो देखो इसका जो राइट right आंसर जाएगा वो जाएगा आपके पास में सी राइट right आंसर क्या जाएगा इसमें जाएगा सी सी क्या होता है सिकेडोजन होता है सिकेडोजन क्या है भाई एक तरीके का एक तरीके का हार्मोन है ये इंडोल एसिटिक हार्मोन जो है आई ए ए उसी का ही केमिकल स्ट्रक्चर है जो कब बनता है जब किसका अटैक होता है वहां पे गाल फ्लाई का या मिस फ्लाई का देखो गाल फ्लाई जो है यही क्या है आ, जो मिस फ्लाई है ये राइस के मिस फ्लाई बोलते इसको मिस फ्लाई भी कहा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं राइस मेज़ ठीक है तो इसमें इसका राइट आंसर क्या जाएगा जाएगा देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है देखो भाई ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जॉप इंसेक्ट ऑर्डर विद ए प्यूपल इंस्टार इन इट्स लाइफ साइकिल ठीक है देखो ये जो प्यूपल इंस्टार जो है अब देखो क्या बात करते हैं हम एग्जोप जितने भी एग्जॉप टेरिगोट होते हैं देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जितने भी क्या होते हैं एग्जोटेरीगोट जितने भी एग्जोटेरीगोट इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है प्यपल स्टेज एबसेंट होती है जितने भी एग्जॉप टेरीगोट होते हैं उनके अंदर क्या होती है प्यूपल स्टेज एबसेंट है। है? होती है ये क्या है आपकी इंपॉर्टेंट बात है जो आपका कॉन्सेप्ट है अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा एग्जॉप टेरीगोट इंसेक्ट है ठीक है जिसके अंदर क्या होती है प्यूपल स्टेज होती है तो देखो भाई ये कैसी है ये प्यूपल स्टेज कैसी होगी स्यूडो होगी ये ये स्यूडो प्यूपल स्टेज है मतलब है तो प्यूपा बट कैसा है रियल प्यूपा नहीं है ये स्यूडो प्यूपल स्टेज है और स्यूडो प्यूपल स्टेज जो होती है वो किस में पाई जाती है भाई थाइसेन में पाई जाती है ठीक है वो इसका राइट right आंसर क्या होगा आपके पास में थाइसैनोप्टेरा होगा थाइसैनोप्टेरा में क्या होता है देखो ये एक तरीके का एग्जोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर है ठीक है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं एग्जोप्टेरिगोट का मतलब क्या होता है जिनके अंदर लाइफ में क्या होता है एडल्ट ठीक है सॉरी एग निम्फ और एडल्ट तीन स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर जनरली एग निम्फ्स और एडल्ट ठीक है तो ये तीन स्टेज जिसमें होती है वो कौन से होते हैं एग्जोपटेरीगोट और एग्जोपटेगोट जिनके अंदर होगा वो ऑर्डर कौन सा होगा ये थाइसोनोप्टेरा जिसमें क्या पाया जाता है प्यूपा पाया जाता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे देखो द होल्स एट द बेस ऑफ सोरगम पेडंकल आर ड्यू टू देखिए जहाँ से सोरगम की जो नई पत्तियाँ निकलती है उन नई पत्तियों के आधार के ऊपर अगर क्या दिखाई दे रहे हैं छिद्र दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन से इंसेक्ट की वजह से होती है तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं ठीक है ठीके? जो आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं वो साइंटिफिक नेम है कौन कौन से ठीक है वो उनके जो कॉमन नेम है वो क्या क्या है तो भाई देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा चिलो पार्टेलस होगा इस चिलो पार्टेलस को क्या कहते हैं इसको कहा जाता है स्पोटेड स्टेम बोरर ये क्या होता है स्पोटेड स्टेम बोरर और जब भी स्पोटेड स्टेम बोरर का जब भी अटैक आता है तो इस स्टेम बोरर के अटैक की वजह से क्या होता है जो सोर्गम का पेडंकल है ठीक है सोरगम का जो पेडंकल है यहां पे क्या दिखाई देते हैं हमको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं इसके आधारित भाग पर क्या दिखाई देंगे हमको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई इसका राइट आंसर जाएगा चिलो पार्टेलस जिसको क्या कहा जाता है स्पोर्टेड स्टेम बोरर अब हम बात करें कि एथरीगोना सोकाटा को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं भाई शूट फ्लाई इसको क्या कहा जाता है सोरगम फ्लाई कहा जाता है इसको ठीक है अब हम बात करें कॉन्टीरेनिया सोर्गिकोला ठीक है कॉन्टीरेनिया सोर्गिकोला क्या होती है सोर्गम मिज फ्लाई इसको क्या कहा जाता है सोर्गम मिज फ्लाई कहा जाता है ठीक है ये देखिए ये आपको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं इसके साथ साथ आपको कॉमन नेम भी याद होने चाहिए तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको साइंटिफिक नेम तो दिया ही जाता है तो आपको क्या होता है कई बार कॉमन नेम ना दे करके साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि निम्न के अंदर से कौन सा जो है आपको जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिए चिलो पार्टेलस जो है क्या है बोरर है ठीक है क्या है 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 शूट फ्लाई ठीक इसके बाद में कॉन्टे कोला जो क्या है सोरगम मिज फ्लाई है देन कैलाकोरस एंगस्टस जो है ये क्या है सोरगम ईयर हेड बग है ये क्या है सोर्गम ईयर हेड बग है ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको क्या होने चाहिए देखिए एंटो के आपको जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ साथ कॉमन नेम याद होने के साथ साथ में आपको क्या होने चाहिए साइंटिफिक नेम भी याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉमन नेम ना पूछ करके वो ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट आपको साइंटिफिक नेम दे देगा और अगर आपको साइंटिफिक नेम का कॉमन नेम याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे या फिर उसको अटैम्प्ट करने में क्या हो जाएगी गलतियाँ हो जाएगी तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए इनसेक्ट्स के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम उनकी फैमिली और ऑर्डर सभी याद रखिए ठीक है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस देखो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस जो क्या है बनाना राइजोम विविल जो है ठीक है बनाना राइजोम विविल जो है वो कहां से बिलोंग करती है कौन से ऑर्डर के अंदर आती है तो देखिए जितने भी विविल्स हैं एक चीज़ में आपको बता दूँ जितने भी विविल्स होती हैं ये सारी की सारी विविल कौन सी आ, फैमिली के अंदर आती है देखो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी अधिकतर जो विविल्स होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है भाई कुर्कोलियोनिडी फैमिली जो है ठीक है विविल्स अधिकतर कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं वो करते हैं कुर्कोलियोनिडी जो फैमिली है उसमें क्या आती है सारी की सारी विविल्स आती है तो जो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस है यानी क्या है बनाना राइजोम राइजोमिल जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगी वो करेगी कुर्कुली फैमिली से बिलोंग करेंगी ठीक है देन उसके बाद में है इंडिकेट द विच इज द ईयर हैड मिज देखो ईयर हेड मिज कौन सी है इनके अंदर से देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है सबसे पहले तो देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट लगाने का क्या मतलब है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर हेड मिज जो होती है वो कौन सी क्रॉप के अंदर लगती है ठीक है सबसे पहले तो आपको देखिए क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जो कॉन्सेप्शुअुअल पावर है उसको देखने के लिए बनाया गया है तो देखिए इसने क्वेश्चन में बहुत आधा छोड़ा हुआ है इसको ये भी नहीं बताया हुआ कि ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंडिकेट विच वन इज़ द ईयर हेड मिज तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ईयर हेड मिज होते ईयर ईयर हेड मिज का अटैक कौन सी क्रॉप के ऊपर आता है तो भाई देखिए ईयर हेड मिज का जो अटैक होगा वो किस पे पाया जाता है सोरगम पे ठीक है इसका अटेक किससे पाया जाता है सोर्गम क्रॉप पे आता है और देखो सोर्गम क्रॉप पे आता है तो इसका हम हमको क्या बताना है ये कॉमन नेम दिया हुआ है देखो ईयर हेड मिज है ये कॉमन नेम दिया हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं सोर्गम की आ, सोर्गम ईयर हेड मिज कहा जाता है इस सोर्गम ईयर हेड मिज का आपको क्या बताना है साइंटिफिक नेम बताना है तो भाई इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या आता है कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला क्या हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा तो कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला क्या है ईयर हेड मिज है और ईयर हेड मिज भी किसका है भैया सारी सारी एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे एग्जाम है ठीक है जो कौन करवाता है किसी भी स्टेट की पीएससी है हम बात करें आरपीएससी का ठीक है आरपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर इस लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको क्या है आपकी जो पूरी है, उनको कॉन्प्टोन्सेप्ट को देखा जाता है तो आपको ये सवाल अटेम्प्ट करने के लिए इनको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे जो है वीडियोस को अच्छे से देखेंगे बार बार जो भी इनके अंदर क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से लिखिए बार बार रिवाइज कीजिए ताकि यहाँ से आने वाला हर एक जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कर सके अच्छे से अटैम्प्ट कर सके अब जो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर नेक्स्ट है यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखो द स्पेलिंग व्हाइट फ्लाई इन्फेस्टिंग द लीवस ऑफ मेनी क्रॉप ठीक है अब देखो यह क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है स्पेरिलिंग व्हाइट फ्लाई देखो स्पेरिलिंग व्हाइट फ्लाई जो है वो अलग अलग क्रॉप्स को क्या करती है अटैक करती है तो ये स्प्रेलिंग व्हाइट फ्लाई का यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं यहाँ पे आपको क्या बताना है इसका कॉमन नेम बताना है या फिर देखो ये स्प्रेलिंग व्हाइट फ्लाई का क्या है कॉमन नेम है इनमें से छांटना है कि स्प्रेलिंग व्हाइट फ्लाई का राइट कॉमन नेम क्या है तो देखो स्प्रेलिंग व्हाइट फ्लाई का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है एलोरोडिकस डिस्पर्सस होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एलोरोडिकस डिस्पर्सस हो जाएगा अगर हमसे सिर्फ व्हाइट फ्लाई पूछते तो व्हाइट फ्लाई का अटैक क्या होता है सिर्फ बेमिसटेबसाइड बट हमको कौन सी पूछी है स्पेरिलिंग व्हाइट फ्लाई जो पूछी है ये क्या होता है इसका अटैक जो होता है जनरली किस पे आता है फ्रूट क्रॉप्स जो होंगी ठीक है स्पेरिलिंग व्हाइट फ्लाई का जो अटैक होता है वो जनरली किस पे आता है फ्रूट क्रॉप्स पे आता है इसका अटैक किस पे आएगा भाई जनरली फ्रूट क्रॉप्स पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा स डिस्पर्सस क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स ये जो प्रश्न है अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था आरपीएससी का जो ए का पेपर था आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एंटोमोलॉजी अभी बहुत लेटेस्ट एग्जाम लगा था आर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का इस आर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर क्या हुआ था प्रश्न पूछा गया था इस प्रश्न में पूछा गया था द मस्टर्ड साफ्लाई इस मस्टर्ड देखो यहाँ पे मस्टर्ड साफ्लाई का साइंटिफिक नेम भी बताया हुआ है लेज एग्ज नियर कि इसका जो एग लेइंग होती है वो कहाँ होती है मतलब जो मस्टर्ड मस्टर्ड साफ्लाई जो है अपने अंडे कहाँ देती है प्लांट के ऊपर तो देखो फ्लावर्स पे देती है क्या जी बिल्कुल नहीं फ्लावर्स पे कभी भी इसकी एग्लैंग नहीं होगी कहाँ होगी लीफ मार्जिन पर देखिए लीफ मार्जिन पर क्या होती है इसकी एग्लैंग होती है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये प्ला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है भाई लीफ मार्जिन है इसका राइट आंसर क्या है लीफ मार्जिन है ठीक है और सोइल सरफेस पे होती है क्या? जी नहीं सोइल सरफेस पे भी नहीं होती रूट्स पर भी नहीं होती कहां होती है लीफ की मार्जिन पे होगी लीफ की मार्जिन का मतलब जो लीफ है लीफ के बिल्कुल कहाँ होती है किनारों पर होती है ठीक है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहाँ होगी किनारों पर होगी तो कहां होगा भाई लीफ मार्जिन होगा और ये प्रश्न जो है इस बार आर पी एंटो के अंदर पूछा जा चुका है ठीक है <coughs> इसके बाद में नेक्स्ट जो है विच पेस्ट ऑफ पोटेटो अटैक द ट्यूबर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज देखो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो आ, आलू के जो कंद होते हैं उन आलू के कंदों को फील्ड के अंदर यानी कि जो फील्ड के अंदर भी और स्टोरेज में भी दोनों जगह पर जिसका अटैक होता है वो इंसेक्ट कौन सा है तो क्या बन आ, पोटेटो एफिड का अटैक होता है क्या जी नहीं पोटेटो एफिड का अटैक जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है फील्ड में होता है लेडी बर्ड बिटल का अटैक होता है क्या जी नहीं लेडी बर्ड बिटल का भी अटैक नहीं होता ये क्या है प्रीडेटर है ये क्या है प्रीडेटर है फिर आती है बात हमारी किसकी पोटेटो ट्यूबर मौत की देखो भाई पोटेटो ट्यूबर मौत जो है वो क्या है पोटेटो का क्या है ये मेजर पेस्ट है ये क्या है पोटेटो का मेजर पेस्ट है और ये क्या होता है इसका जो अटैक होता है वो कहां, कहां देखने के लिए मिलता है भाई बोथ फील्ड एंड बोथ फील्ड एंड स्टोरेज <laughs> इसका जो अटैक होता है वो फील्ड में भी देखने के लिए मिलता है और स्टोरेज में भी देखने के लिए मिलता है पोटेटो ब्लैक वम ब्लैक कटवम ये भी नहीं होगा ठीक है इसका जो देखो विच पेस्ट ऑफ पोटेटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ फील्ड एंड स्टोरेज तो कहाँ होता है इसका राइट right आंसर क्या होगा पोटेटो ट्यूबर मॉथ ठीक है स्टूडेंट्स तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है देन इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है देखो पेस्ट विच अकर्स रेगुलरली in a serious manner is known as देखो ऐसा पेस्ट जो कंटीन्यूअसली आता है बार-बार आता ही रहता है रेगुलरली आता है तो उसको क्या कहते हैं भाई उसको कहते हैं बताइए मतलब क्या कहते हैं उसको इन अ सीरियस मैनर मतलब वो कैसा आता है बहुत सीरियसली आता है तो वो कौन सा कहलाएगा एपिडेमिक कहलाएगा ठीक है मतलब जिसका रेगुलर डैमेज आ रहा है रेगुलरली अटैक होता है वो कौन सा कहलाता है भाई एपिडेमिक कहलाता है देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है मोस्ट सीरियस पेस्ट इन व्हीट भाई मोस्ट सीरियस पेस्ट इन व्हीट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न कई एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है तो व्हीट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेस्ट जो होता है भाई वो कौन सा होता है टर्माइट होता है ठीक है तो ये देखो इसका राइट right आंसर कौन सा जाएगा टर्माइट जाएगा ठीक है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है वो देखिए देखो फैमिली ऑफ डायमंड बैक माउथ इज भाई ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायमंड बैक मॉथ मैंने क्या आपको बता दिया है ये डायमंड बैक मॉथ किसका पेस्ट होता है डायमंड बैक मॉथ जो होता है ये किसका पेस्ट होता है भाई कैबेज का पेस्ट होता है ये ठीक है ये किसका पेस्ट होता है कैबेज का पेस्ट होता है और कैबेज का पेस्ट होने की वजह से ही क्या होता है ये कैबेज uh, का कैसा है मेजर पेस्ट है कैबेज का क्या है ये मेजर पेस्ट भी है मेजर पेस्ट होने की वजह से कैबेज पर क्या होता है इसका बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो अटैक जो होता है कैबज़ पर वो काफ़ी ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है तो हमको क्या है इसकी फैमिली पता होनी चाहिए इसकी फैमिली जो देखिए वो क्या है देखो ये हम बात करें प्लूटी जिसमें लास्ट में क्या है डी ए ई है इस मतलब इसका मतलब क्या है ये कोई ना कोई फैमिली है इसके हम देखें लेपिडोपटेरा तो लेपिडोपटेरा क्या है भाई ऑर्डर है डिप्टेरा डिप्टेरा भी ऑर्डर है हेमिप्टेरा हेमिप्टेरा भी क्या है ऑर्डर है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या आ जाएगा ए जाएगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है प्लूटीडी इसका राइट right आंसर क्या होगा भाई ए होगा जिसमें क्या है प्लूडीडी है प्लूटीडी क्या होता है भाई प्लूटीडी इसकी फैमिली है किसके डायमंड बैक मोथ की ठीक है डायमंड बैक मोथ की क्या है फैमिली है और डायमंड बैक मोथ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है भाई प्लूटेला जाइलोस्टेला <laughs> ये क्या होता है प्लूटेला जायलोस्टेला ठीक है ये क्या होता है प्लूटेला जायलोस्टेला होता है इसकी फैमिली क्या होगी प्लूटेडी होगी और ऑर्डर कौन सा होगा इसका लेपिडॉपटेरा होगा ठीक है इसके बाद में देखिए <coughs> देखो मैंने पहले बता दिया डीबीएम जो है यानी कि डायमंड बैक माउथ है इज ए स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ देखो ये स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट है किसका कैबेज का ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा कैबेज हो जाएगा Then, इसके बाद में हमारी क्लास का लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो देखिए वो क्या है कि मोनोफेगस पेस्ट विच वन इज़ द मोनोफेगस पेस्ट मोनोफेगस पेस्ट का मतलब क्या होता है सच काइंड ऑफ इंसेक्ट विच इज़ फीड्स ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट विच इज नोन एज मोनोफेगस पेस्ट यानी कि मोनोफेगस इंसेक्ट कौन से होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के प्लांट के ऊपर क्या करते हैं फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई मोनोफेगस पेस्ट उनको कहा जाता है ठीक है अब देखो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है अब हमको ये नहीं बताएगा कि कौन सी क्रॉप का हमको तो सिर्फ ये ढूंढना है कि निम्नलिखित में से मोनोफेगस पेस्ट कौन सा होता है तो मोनोफेगस पेस्ट जो है देखिए इसके अंदर इस, इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर जाएगा वो जाएगा येलो स्टेम बोरर इसका राइट right आंसर क्या होगा येलो स्टेम बोरर होगा और येलो स्टेम बोरर जो है किसका पेस्ट होता है भाई ये राइस का पेस्ट होता है ये किसका पेस्ट है राइस का मेजर पेस्ट है ठीक है राइस का क्या है ये मेजर पेस्ट है और एक कैसा है राइस का मोनोफेगस पेस्ट है ठीक है तो आपको क्या बताना है कि मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है इनके अंदर से तो वो कौन सा है येलो स्टेम बॉरर है कौन सा है भाई येलो स्टेम बोरर है ठीक है स्टूडेंट्स तो आज की हमारी जो क्लास थी इसके अंदर हमने मोस्ट ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको एंटोमोलॉजी के अंदर इसमें से आपको जरूर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकते हैं तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें इनको क्वेश्चन को बार बार देखिएगा ठीक है इनको रिपीट कीजिएगा और अच्छे से क्या कीजिएगा इनको पढ़िएगा जिससे क्या है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो ठीक है स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट क्लास में और हमारा जो कोर्स है ये आर पी एस डबल ए वाला जिसका क्या है प्राइस जो कितना है इकतीस सौ है इसको आप जरूर परचेस कीजिएगा इसके अंदर आपको सभी क्या है रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी टेस्ट सीरीज़ और जो पूरा कंटेंट है अपलोडेड दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या हो जाएगा अवेलेबल होगा ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू ऑल ऑफ यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑल द बेस्ट